हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी बज रही है सुबह के 10 और मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और थोड़ी सी तबीयत रात की सही नहीं थी तो लेट हो गए, और आज मेड भी नहीं आई है। सो अभी मैं फटाफट से काम करके शॉप पे जाने वाली हूँ। और आज अनु का कॉल आया था, वो बोल रही थी कि मैं आने वाली हूँ, अब क्या पता कब तक आएगी। और खाना भी मुझे बनाना है, खाना बना के ही जाऊँगी। और सब्जियाँ हो चुकी है ख़त्म, तो सब्जियाँ लेने भी अभी जाना है, तो सब काम मुझे जल्दी से निपटाना है। इसलिए मैं काम करते हुए मेरे ब्लॉग की ओपनिंग भी कर रही हूँ। मेरा फेस का रूटीन तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब घर का कर देती हूँ जल्दी से। ऑलमोस्ट हो गया है, झाड़ू वगैरह सब लग गया है, बर्तन तो मैंने कल रात को धो दिए थे लगभग सारी, इसलिए बर्तन तो सिर्फ अभी के ही होंगे और पोछा अभी कर दूँगी। और कपड़े भिगाने हैं, काम वाली आने वाली है इसलिए कपड़े धोने वाली अलग से, तो फिर कपड़े भिगा देती हूँ, खाना बना देती हूँ, सब काम करके फटाफट से शॉप पर जाती हूँ और अनु को कॉल लगाती हूँ कब तक आ रही है। तो अभी मेरी रोमा दीदी अभी बर्तन धो रहे हैं और अभी हम जाने वाले हैं शॉप पे, और बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं आज, बहुत ज्यादा लेट हो गए। आज प्रिंसी के साथ ट्यूटोरियल भी बनाएंगे। बाल काटने के क्या करना, कट करने, हेयर कलर करना है, हेयर कलर करना, हेयर कट करने। किचन साफ हो गया है, अभी किचन साफ हो गया तो अभी वो पूरा वॉश करेंगे, साबुन से तो धो लिया है। यस, परफेक्ट, बाय। अभी मैं, अनु और प्रिंसी तीनों जने जा रहे हैं शॉप पे, और अनु का करना हेयर कलर और प्रिंसी के साथ आज हम बनाएंगे ट्यूटोरियल, तो चलिए चलते हैं। तो हम अभी शॉप पे आ चुके हैं, तो अभी बाल कटिंग, बाल धो रहे हैं, अभी बाल वॉश हो रहे हैं अनु दीदी के। यहाँ पर अनु दीदी के बाल टॉवल ड्राई हो रहे हैं, टॉवल ड्राई हो रहे हैं। अरे यार, इतनी हैवी मसाज करा रही होती, अच्छे से मसाज सही में कोई ऑयल करके जैसे मजा आता है, और पार्लर में करते ना वो एकदम अलग ही टाइप की, यहाँ से मसाज जो होते ना नेपे दी की मसाज में होते हैं, बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर अब बालों को काटेंगे। मैंने इसको ही रख देती हूँ एक साथ में व्लॉगिंग करने के लिए। तो गाइस, आपने देख ही लिया होगा, इतने बालों से गिटार निकल रहे हैं। पीछे के बाल नहीं है मेरे, है ना? ये जो पतले पतले है ना, काला वाला गंदा दे देना। हाँ यार, तो कर लो। ये वाले तो अच्छा लगते हैं। हाँ, उनके ही दिया मुझे। हाँ, ये पतले पतले हैं। हाँ, इतने लाड दो। हाँ, तुम मुझे आज तकला करके छोड़ेगी मेरे, अगर आगे से मैं वो वाले करूँ अच्छे लगे मेरे, क्या ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े, नहीं टेढ़े मेढ़े नहीं, ऐसे सीधा वाला नहीं करते लड़के, छोटी लड़कियाँ करती है।
आगे वाले लगते कैसे अच्छे लगते हैं अच्छे लगते हैं वो पूछी कितने अच्छे क्योंकि तेरे आगे घूम रही है ना इसलिए मैंने तो आगे से बाल लगा घूम रही हूँ तो अच्छा वो मुझे तो बहुत तो घूम रही नहीं हूँ इसे बाल कटिंग भी हो रही है और बातें भी आती हैं ना पता है कटिंग भी हो रही है बाल की पत्नी आती है सभी लोग अभी अनु दीदी के कलर होने वाला है और ये कलर बन गया है कलर बन गया है ये क्या है ये ग्लव्स है ये ग्लव्स है तो ग्लव्स हैंड से करेंगे यहाँ पर धुल रहे हैं अनु के बाल ये हेयर कटर अनु दीदी का हेयर कलर हो गया है और अब हाइलाइट्स हो रहे हैं अब हाइलाइट्स हो रहे हैं देख सकते हैं आप कलर हो चुका है और अब बस थोड़ा सा एक दो फ्लिक्स में कलर आना बाकी है तो अभी हो जाएगा फिर हम वॉश करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे है ना प्रिंसी हाँ वो अभी हमारे बाल रेडी हो चुके हैं अभी ब्लो ड्राई हो रहा है देखिए कितने अनु का हेयर कलर हो गया है कंप्लीट पीछे घूम उड़ जा दिखा दे एक बार बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हाइलाइट्स और इसको जाना है जल्दी से घर इसलिए हमने ब्लो ड्राई नहीं किया डायरेक्ट हम निकल रहे हैं और अभी देखते हैं घर पे जाके क्या बनाते हैं खाना वगैरह सब बाकी है और टाइम हो गया है यहाँ पे 6:30 तो हम अभी जा रहे हैं थी हमारी कार आ गई है फिर हमारी अभी शॉप बंद कर रहे हैं हम घर आ गए हैं और ये प्रिंसी मैं अनु तीनों थोड़े दिन पहले मैंने आपको मेरे एक व्लॉग में बोला था कि एक कुछ स्पेशल चीज़ चिकने वाले ऑर्डर की है वो आ गई है पर वो 7 दिन से आई हुई थी और कुरियर ऑफिस में ही पड़ी हुई थी वो मिल ही नहीं रही थी यानी पार्सल घूम गया था ऐसा हो गया था चिकू उसको लेने के लिए गए यहाँ से थोड़ा सा दूर है वहाँ पर लेने के लिए गए आधे घंटे तक तो इन्होंने ये पार्सल ढूंढा वहाँ पर जितना पैसे भी देने पार्सल के और इतनी मेहनत से ढूंढना भी वहाँ जाके इतनी डबल मेहनत लग गई यानी और वो पार्सल मैं आपको भी दिखा देती हूँ मेरा गोरिल्ला ट्रैपोड आया है प्रिंसी अब तो तू ब्लॉग इससे आराम से कर सकती है मतलब देखना काम की चीज़ आई अपना टन टन आ गया हमारा गोरिल्ला ट्रैपोड इसको कहीं से भी मोड़ सकते हैं वाओ इसको टाइट करने का ठीक है चलो इसको इसमें लगा के फिर बताते हैं ये हमारा ट्राइपॉड हमने लगा दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ले पुराना और पुराना वाला ट्राइपॉड इतना छोटू सा था इससे प्रिंसी भी ब्लॉक कर देती है अब प्रिंसी आराम से ब्लॉक कर पाएगी है ना हाँ
पकड़ना ये तो पकड़ने में तो होशियार है ये ठीक है चलो अब थोड़ी देर बाद खाना बनाएंगे ना सब्जियां है नहीं क्या करें क्या करें सब्जियां तो है ही नहीं तू उगा क्या जा सब्जियां अपने मैं सब्जी उगाने जाऊंगी देख दो महीने में लग जाएंगी हैं हाँ हमको पता ही नहीं था अंजलि तेरा क्या कहना है इस लड़के के बारे में वो जबरदस्त है ये है चिकू मामा ये है रोमा दीदी ये अनुष्का दीदी बेटा ये पर्स अंदर गुस्सा रख जब से प्रिंसी आई है तब से मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही हूँ यानी वो ही करती है पूरा दिन अब वो क्या शूट कर पाती है क्या नहीं वो एडिट करते हैं तब पता चलता है अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मस्ती करिए आज तो शिकू को